लंबे समय से गोरखपुर के जिलाधिकारी का पदभार संभाल रहे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन का रविवार को शासन द्वारा ट्रांसफर करने के बाद उनके स्थान पर 2009 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाने वाले विजय किरण आनंद को शासन ने जनपद का जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा है। नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद कुंभ मेले में मेलाधिकारी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी उनका पीठ थपथपाया था। उसके बाद महानिदेशक बेसिक शिक्षा के रूप में उन्होंने बेसिक शिक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। शिक्षकों की उपस्थिति एवं अन्य सेवाओं के लिए प्रेरणा ऐप लॉन्च करने का श्रेय उन्हें जाता है। आपको बता दें कि नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को ट्रेजरी कार्यालय में जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं से पैदल चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सभी अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में चल रही सभी विकास परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। प्रयास होगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर ही राजस्व के मामले निस्तारित करने की कोशिश होगी। जिले में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश सिंह, आईएएस अधिकारी सुमित महाजन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कोई पुरातत्व चीजें हैं यहाँ पर? हाँ सर, क्या क्या पुरातत्व मेरा वो अवेलेबल है सर, 111। अच्छा, क्या है उसमें सर? ज़्यादा कुछ चाबियाँ हैं या जब जो सामान है कोई खास? और जो तजरी में जमा किया गया है पुरानी चीज़ें हैं जो अभी तक केस चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, कोर्ट से कोई कोर्ट नहीं है? उसकी इन्वेंट्री पिछली बार कब हुई थी? मार्च में उसकी इन्वेंट्री हुई थी? हो गई थी। हाँ जी, हो गई थी। हाँ, कोई मजिस्ट्रेट भी था? डीएम था, खुद ही कर। इस टाइम तक 5000 से 5000 तक अभी इस टाइम पर मैं ट्रेजरी का विस्तृत ये करूँगा बाद में। जी सर, जी सर, मैं बताऊँगा आपको। नहीं सर, ठीक रहता सर, फॉर्मेट बनाने से कोई भी तीन दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए।
ये क्या था? इसमें सर बहुत सारे तो बैलेंस ही है सर, इसमें गलती नहीं है। प्रभार जो है स्वतंत्र होता है, उस प्रभार के रहते हुए पूरी टीम के साथ सभी के सामंजस्य से कटिबद्ध प्रयास करते हुए शासन की योजनाओं को लागू करने का प्रयास होना चाहिए और होगा, और इसी दिशा में हम लोग सभी पूरी टीम मिलकर यहाँ पे काम करेंगे और कोशिश ये होगी शासन की योजनाओं की मंशा के अनुसार लक्ष्यों की पूर्ति हो और सभी जनमानस को लाभ पहुँचाया जाए और सबसे दुरुस्त और सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को राहत और योजनाओं का लाभ मिल सके पारदर्शितापूर्वक हो, यही कोशिश की जाएगी कि राजस्व विभाग में पूरे राजस्व टीम पुलिस प्रशासन की टीम के सामंजस्य कोशिश ये होगी कि जो भी विवाद हैं उसको पूरे राजस्व संहिता के अनुसार निस्तारण किया जाए, पारदर्शितापूर्वक निस्तारण किया और त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए और शांति व्यवस्था बरकरार रखते हुए सभी को न्याय मिल सके, इसी अनुसार कोशिश की जाएगी। निरंतर सुनवाई हो और सभी अधिकारीगण लगातार फील्ड में जाके मौके पे जाके फरमाइश करते हुए सबके सामने निस्तारित करें और उसको त्वरित रूप से लोगों को राहत मिल सके, यही कोशिश की जाएगी। सर, सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं जो टाइम लाइन से पीछे चले, उनको लेकर किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की टाइम? नहीं, अभी हम अपनी टीम के साथ मिलकर जो पहले से इसकी समीक्षा बड़ी स्तर पर भी हो रही थी, जनपद स्तर पर भी हो रही थी और ये आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक उसका अनुश्रवण करते हुए किया जाएगा। जो भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ आते हैं जो उसमें तुरंत निस्तारण हो, अंतर्विभागीय समन्वय हो, वित्त पोषण में अगर कोई समस्या है तो शासन से आवश्यक पैरवी की जाए और बात रखी जाए और उसमें धनराशि प्राप्त करके हुए आगे कार्रवाई की जाएगी और कोशिश ये होगी कि समयबद्ध रूप से उनको पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता का निरंतर अनुश्रवण होगा। सर, तीसरी लाख के संभावित मांग के चला जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कम जा रहा है? नहीं, अभी पूरे स्वास्थ्य टीम और सारी जो इसमें टीम लगी है पहले से इसमें बहुत अच्छा प्रयास हुआ है और कोशिश यही की जाएगी, निरंतर उस पर वॉच किया जाएगा, सारी सावधानियां बरती जाएंगी, पूरी जो कार्ययोजना पहले बनी है उसको धरातल पे अनुश्रवण भी किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि सारी तैयारियां पूर्ण हों। अगर तीसरी लहर की संभावना रहती है तो हम पूरी तरह तैयार हों और लोगों के साथ मिलकर हम इसमें युद्ध स्तर पर काम करेंगे। सर, गोरखपुर जनपद ही बहुत बड़ा जनपद है जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी भूमि माफिया द्वारा जमीन कब्जा करने के लिए, चाहे सीएम का जनता दरबार या नियम कार्यालय वहाँ पर आते हैं, उनको लेकर किस तरीके से? शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरह के ज़मीन के अतिक्रमण या किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि राजस्व और पुलिस टीम मिलते हुए जहां भी ऐसी कोई शिकायत आती है या कोई ऐसी बात संज्ञान में आती है जहां अतिक्रमण हो रहा है तो कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी, शांति व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और कोशिश यही होगी
कि न्याय 100% सभी के साथ हो। सर आपके साथ सर सीएम सिटी है, हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को सीएम का कर्मी बताता है, इसको कैसे फेस करेंगे? नहीं ऐसा नहीं, जो हम लोग निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से प्रशासन चलाते हैं और कोशिश यही होगी कि एक टीम भावना से सभी के साथ मिलकर, और इसमें मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा कि सभी मीडिया के लोग भी हमें से हमेशा जुड़े रहते हैं, आपके माध्यम से भी बहुत सारी बातें संज्ञान में आती हैं, तो कोशिश ये होगी कि सभी हम लोग मिलकर एक टीम से काम करें और जो भी लोगों को इस टाइम पे राहत दे सकते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।